हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक टू का लेसन नंबर 25 वंस अपॉन अ टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 25 वंस अपॉन अ टाइम, एक जमाने में। हैव यू एवर हियर योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड वॉज वेरी डिफरेंट वेन दे वेयर चिल्ड्रेन? हैव यू हियर देम से दैट पीपल हैड मोर टाइम टू टॉक टू ईच अदर और मीट ईच अदर इन द ओल्डन डेज? क्या आपने कभी अपनी दादी या नाना को इस बारे में बात करते हुए सुना है कि जब वे बच्चे थे तो दुनिया कितनी अलग थी? क्या आपने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि पुराने समय में लोगों के पास एक दूसरे से बात करने या एक दूसरे से मिलने के लिए अधिक समय था? As children, we are innocent, loving and honest about our feelings. But as time passes, many social and cultural factors and experiences change our personality and behavior. This experience often takes away some of our honesty and innocence. In the same way, the old way of life was innocent like a child, because in those days, people were more honest and caring about each other than they are in the very modern day world. When we meet people today, we often do not mean what we say. We only say nice things to them because we don't want to seem rude. आइए अभी से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों के रूप में हम अपनी भावनाओं के बारे में निर्दोष, प्यार और ईमानदार है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और अनुभव हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को बदलते हैं। ये अनुभव अक्सर हमारी ईमानदारी और मासूमियत को दूर कर देते हैं। उसी तरह जीवन का पुराना तरीका एक बच्चे की तरह निर्दोष था, क्योंकि उन दिनों लोग व्यस्त आधुनिक समय की दुनिया में रहने के बजाय एक दूसरे के प्रति अधिक ईमानदार और देखभाल करने वाले थे। जब हम आज लोगों से मिलते हैं तो हम अक्सर यही नहीं कहते कि हम क्या कहते हैं, हम केवल उन्हें अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि हम असभ्य नहीं दिखना चाहते हैं। द पोएट विशेस दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वुड वंस अगेन बिकम इनोसेंट एज द चाइल्ड लाइक। ही ऑल्सो विशेस that he could once again be as natural, honest and innocent as when he was a child. Kabhi ki ichcha hai ki aadhunik duniya ek baar fir se masoom aur bal sulabh ho jaye. Woh yeh bhi chahta hai ki jab woh bachcha tha tab woh ek baar fir swabhavik, imandar aur nirdosh ho sakta hai. Ab aaiye hum log aage badhte hain. Let us read the text. हम पाठ पढ़ते हैं। Once upon a time, एक जमाने में। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes blog, cold eyes search behind my shadow. एक बार बेटा, वे दिल खोलकर हंसते थे और उनकी हंसी आंखों से थी, लेकिन अब वे केवल अपने दांतों के साथ हंसते हैं, जबकि उनकी बर्फ ठंडी आंखें मेरे छाया के पीछे खोजती है। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. वास्तव में एक समय था वे दिल से हाथ मिलाते थे, लेकिन वह चला गया बेटा। अब वे बिना दिल के हाथ मिलाते हैं, जबकि उनके बाएं हाथ मेरी खाली जेब में खोजती है।
feel at home. Come again. They say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no tries. For then I find door shut on me. घर में होने जैसा फिर से आना वे कहते हैं, और जब मैं आता हूँ फिर से और महसूस करता हूँ घर पर, एक बार, दो बार, कोई तीन बार होगा, तब मैं अपने लिए दरवाजा बंद पाता हूँ. So I have learned many things, son. I have learned to bear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. इसलिए मैंने कई चीजें सीखी है बेटा. मैंने कई चेहरे पहनना सीखा है, जैसे कपड़े, होम फेस, कार्यालय फेस, सड़क फेस, मेजबान फेस, कॉकटेल फेस, उनके सभी अनुरूप मुस्कुराहट के साथ एक निश्चित चित मुस्कान की तरह. एंड आई हैव लर्न टू लाफ विथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. और मैंने सीखा भी है केवल अपने दांतों से हंसने के लिए, और मेरे दिल के बिना हाथ मिलाना सीखा. मैंने अलविदा कहना भी सीख लिया है जब मेरा मतलब good riddance है, आपसे मिलकर खुशी हुई आनंदित हुए बिना, और यह कहने के लिए कि यह है आपसे बात करने का अच्छा लगा बोर होने के बाद. बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी वेन आई वॉज लाइक यू. आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स. मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाव फॉर माई लाव इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक वेयर फैंग्स. लेकिन मेरा विश्वास करो बेटा, मैं वही होना चाहता हूँ जो मैं हुआ करता था जब मैं तुम्हारे जैसा था. मुझे चाहिए इन सभी म्यूटिंग चीजों को अनलिंक करने के लिए. सबसे अधिक मैं त्याग करना चाहता हूँ ऐसे हंसो आईने में मेरी हंसी के लिए, सांप के नंगे नुकीले दांतों की तरह केवल मेरे दांत दिखाता है. तो शो मी सन हाउ टू लव, शो मी हाउ I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो मुझे दिखाओ बेटा कैसे हंसना है, मुझे दिखाओ कि कैसे मैं हंसता और मुस्कुराता रहता था एक बार जब मैं तुम्हारे जैसा था. और इनके पोएट का नाम है ग्रेवियल ओकरा. इस तरह से जो है इसका पोयम का अर्थ समाप्त हो चुका है. अब आइए हम लोग जो है इस पोयम का समरी को पढ़ते हैं, और हम लोग जो है समरी को तीन सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग सेक्शन फर्स्ट का समरी पढ़ते हैं. कभी अतीत और वर्तमान में लोगों के व्यवहार की तुलना करता है, कभी अपने बेटे से कहता है कि पहले लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं थी, पहले लोग खुलकर सच्ची हंसी हंसते थे और दिल से लोगों से मिला करते थे, लेकिन आज के व्यस्त माहौल में लोग एक दूसरे से बिना खुशी के हाथ मिलाते हैं. वे मिलते समय हंसते हैं परंतु उनकी हंसी सच्ची नहीं होती. जब लोग यह कहते हैं कि फिर आना, तो यह मात्र औपचारिकता होती है. कभी यह भी उजागर करता है कि आजकल लोग केवल अमीर, शक्तिशाली तथा सफल एवं प्रसिद्ध लोगों से ही मिलना चाहते हैं. वे कमजोर और गरीब लोगों को कोई महत्व नहीं देते हैं. अब आइए हम लोग सेक्शन टू पढ़ते हैं. कभी कहता है कि समाज का हिस्सा बनने के लिए समाज के व्यवहार को सीखना जरूरी है. कभी का मैं प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि मैंने परिस्थिति के अनुरूप रहना सीख लिया है. कभी कहता है कि वह ऑफिस पार्टी या गली में अलग अलग व्यवहार करता है. वह कहता है कि उसने भी सबकी तरह मुखौटा ओढ़ लिया है, वह स्थिति के अनुरूप बात करता है. उदाहरण के लिए हम किसी से मिलने पर कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, परंतु इसका अर्थ वास्तव में यही नहीं होता. यह तो पीछा छुड़ाने का औपचारिक तरीका है. वह अनेक बार लोगों से विनम्रता से मिलता है, परंतु उसे वैसा कोई रुचि नहीं होती. कभी को दुख होता है कि वह एक सच्चे इंसान को भूल गया है. अब आइए हम लोग सेक्शन 3 पढ़ते हैं.
कभी की तीव्र इच्छा है कि वह अपने भोले बचपन में लौट जाए। वह स्वयं से ही असंतुष्ट है या महसूस करता है कि उसके बेटे की सच्ची हंसी उसे अपने भावों को सच्चे रूप में प्रस्तुत करना सिखा सकती है। वह अपने व्यवहार को झूठ छोड़ देना चाहता है। कभी अपने बेटे से कहता है कि वह वैसे ही हंसकर दिखाए जैसे बचपन में हंसा करता था। अब इस तरह से जो है इस चैप्टर का अर्थ भी समाप्त हो चुका है और समरी भी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 25.1। जहां पे नहीं दिख रहा वहां पे पॉज करें या फिर रोक कर देख लें। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 25.2। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 25.3। इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन है, उसे भी आप पढ़े और समझे फिर बनाने का प्रयास करें। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से किसी भी तरह का कोई भी हार्ड वर्ड या फिर कोई क्वेश्चन आंसर या फिर ग्रामर सेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और यहां से आंसर स्टार्ट है। सारे का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से चेक करें कि आप कहाँ पे सही हैं और गलत हैं। That's all. Thank you, everyone.